हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एसके वर्मा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मथुरा कला के बारे में। एक संक्षिप्त टिप्पणी करेंगे जो कि मात्र 50 शब्दों की होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं मथुरा कला के बारे में। देखिए, मथुरा कला की जो शुरुआत है वो कनिष्क के समय हुई। कनिष्क, आप जो सामने इमेज देख पा रहे हैं, यह है कनिष्क द्वारा चलाया गया एक सिक्का है। तो कनिष्क के समय में मथुरा कला शैली बोल सकते हो। तो कनिष्क के समय में मथुरा कला शैली का विकास हुआ। सबसे पहला प्रश्न ये बनता है किसके समय में मथुरा कला शैली का विकास हुआ, तो कनिष्क के समय में मथुरा कला शैली का विकास हुआ। और ये जो कनिष्क का टाइम था, इस समय मथुरा जो है, मथुरा जगह है यूपी में पड़ती है, अगर आप कभी जाओ जरूर देख के आए। तो मथुरा जो है इस समय, मतलब कनिष्क के टाइम की बात है, मथुरा मूर्तिकला का, यानी ये जो मथुरा जगह है यह है मूर्तिकला का प्रसिद्ध केंद्र था। मतलब मूर्तियां बनाई जा रही थी, मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाई जा रही थी। और जिस समय बनाई जा रही थी, यानी मूर्तिकला का जो प्रसिद्ध केंद्र था, वो कौन सी जगह थी? मथुरा थी। किसके समय? कनिष्क के समय। मतलब कनिष्क के समय में मथुरा शैली का विकास हुआ था। दो प्रश्न बन गए यहाँ पर। मथुरा शैली किसके समय में, मतलब स्टार्टिंग हुआ, विकास हुआ? तो कनिष्क के समय में। और जो मूर्तिकला का विकास हुआ कौन से स्थल पर हुआ कनिष्क के समय में? तो मथुरा में हुआ। और यहाँ अनेक मूर्तियों का निर्माण किया गया। दो मूर्तियाँ जैसे आप ये देख पा रहे हो, इसके अलावा भी हम दिखाएंगे। तो अनेक मूर्तियों का निर्माण इस टाइम किया गया मथुरा के अंदर कनिष्क के समय। देखिए, इस वक्त की जो मूर्तियाँ थी, जितने भी मूर्तियाँ थी कनिष्क के समय की मूर्तियाँ थी, या मथुरा शैली की या मथुरा कला की मूर्तियाँ थी, वह काफ़ी बड़ी थी। देखिए, विशालता काफ़ी थी, भौतिकवादिता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी। तो यहाँ हम बात करें तो हम ये लाइन लिख सकते हैं, या यह लाइन कह सकते हैं कि जो मथुरा कला थी या मथुरा कला की जो मूर्तियाँ थी, वह अपनी विशालता और भौतिकवादिता के लिए प्रसिद्ध है। मतलब मथुरा कला या मथुरा शैली की जो मूर्तियाँ हैं, वह अपनी विशालता, यानी बड़ी बड़ी काफ़ी विशालता और भौतिकवादिता, मतलब रियलिटी से जुड़ी हुई, तो भौतिकवादिता के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ की मूर्तियाँ? मथुरा कला की या मथुरा शैली की, जो कनिष्क के समय की थी। अब देखिए, इस टाइम जो यूज किया जाता था, जो जिस पत्थरों से ये बनाई जाती थी, तो वह लाल पत्थर थे। तो मूर्तियों में भी देख पा रहे हो आप, यानी किस कलर की है? लाल रंग की है। तो मथुरा कला शैली में लाल पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। प्रश्न ये भी बनता है, मथुरा कला शैली में किस प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया जाता था? लाल पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। अब देखिए, आप एक ये मूर्ति देख पा रहे हो, ये मूर्ति किसकी है आप गैस करके बताएं। तो हम पढ़ रहे हैं मथुरा कला, और मथुरा कला में जो विकास हुआ है मथुरा कला का, वह किसके समय हुआ है? कनिष्क के समय। तो यह मूर्ति भी कनिष्क की है, और जिसका सिर नहीं है। तो मथुरा कला शैली में यह मूर्ति मिली है। तो कहाँ मिली है? मथुरा के अंदर कनिष्क की एक विशाल मूर्ति मिली है, और जिसका क्या नहीं है? मस्तक नहीं है, सिर नहीं है। और यह मूर्ति कला का एक श्रेष्ठ नमूना है। देखिए, बिना सिर की यह मूर्ति बनाई गई है, तो मूर्ति कला का श्रेष्ठ नमूना। और लाल पत्थर है, यह भी ध्यान रखना। तो ये जो मूर्तियां हैं, ये अपने आप में बता रही है कि यह शैली कितनी अच्छी विकसित थी। अब देखिए, ये मूर्ति आप देख पा रहे हो, तो देखने से पता लग रहा है कि ये बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। तो मथुरा और उसके आसपास, मेन जगह मथुरा है, मथुरा के आसपास जितना भी एरिया आता है, तो मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में बुद्ध और बुद्ध और बोधिस्तवों, यक्षिणियों तथा स्त्री पुरुषों की अनेक मूर्तियां मथुरा कला या मथुरा शैली का सुंदर उदाहरण हैं। यानी ये जो मूर्तियां हैं मथुरा कला में हैं, मथुरा शैली में मिली है। अब साथ में देखिए, मथुरा जो कला है या मथुरा शैली बोलो, तो मथुरा शैली में आध्यात्मिक भावना को,
आध्यात्मिक भावना को दिखाने का प्रयत्न किया गया। जितनी भी मूर्तियां उनमें धार्मिक भावना या आध्यात्मिक भावना को दिखाने का प्रयत्न किया गया है। साथ में अभी तक जितनी पिक देखिए आप देख पा रहे हो तो उनमें यानी ये मथुरा शैली के अंदर प्रमुखते भाव भावना तथा शारीरिक सौंदर्य सभी को दिखाया गया है। मतलब मथुरा शैली में भाव को दिखाया गया है, भावना को दिखाया गया है, शारीरिक सौंदर्य क्योंकि शरीर की बनावट को दिखाया गया है। तो यह थी मथुरा शैली। तो मथुरा शैली में हमने मेन क्या पढ़ा, मथुरा शैली का विकास कनिष्क के समय हुआ और कनिष्क समय जो मथुरा है वह मूर्तिकला का प्रसिद्ध केंद्र था। यहाँ की मूर्तियाँ थी वह लाल रंग के पत्थरों से बनी थी, लाल पत्थरों से बनी थी, विशालता काफ़ी थी, भौतिकवादिकता के लिए प्रसिद्ध है। एक मूर्ति मिली है जो किसकी है, कनिष्क की है, जो बिना मस्तक की है यानी सिर नहीं है, तो यह काफ़ी श्रेष्ठ नमूना है मूर्तिकला का। इसके अलावा बोधिस्तवों यक्ष यक्षिणियों स्त्री पुरुषों की मूर्तियाँ मिली है। और यह जो जितनी भी मूर्तियाँ हैं उनमें भाव भावना शारीरिक सौंदर्य को दिखाया गया है, आध्यात्मिक भावना को भी दिखाने का प्रयत्न किया गया है। तो यह था मथुरा कला और मथुरा कला की मूर्तियां, मथुरा शैली। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य दबाएं। बेल आइकन दबाने से आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, साथ ही अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव अवश्य दें। तो आगे दीजिए, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक अन्य वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।